हाल ही में आजाद नगर के मस्त मलंग हनुमान मंदिर से हुई चोरी के मामले में वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपी से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी SFF में आरक्षक की ट्रेनिंग से फरार हो गया था। वहीं आरोपी से दो बाइकों के साथ मंदिर से चोरी किए छत्र सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है। साथ ही आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी भी एकत्रित की जा रही है। व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम विकास राठौर है और उसके पास जो मोटरसाइकिल थी काले रंग की बजाज पल्सर, उसके जब दस्तावेज पूछे गए तो ये उसने गाड़ी भगाने का प्रयास किया, दस्तावेज नहीं दिखाए। उस पर से उसको हिकमत अमली में लेकर के पूछताछ की गई तो वाहन इसमें चोरी का पाया गया और पूछताछ पर इसने कबूल किया कि ये वाहन इसने रेलवे स्टेशन इंदौर से चोरी किया है और इसके अलावा एक एक्टिवा भी चोरी करना स्वीकार किया जिसको बरामद किया जा चुका है। ये दोनों वाहनों को, पल्सर और एक्टिवा को, पूछताछ में ही ये जानकारी लगी कि इसने मस्त मलंगा हनुमान मंदिर में भी मूसाखेड़ी में चोरी की थी और उसको चोरी करके जो सामग्री थी वो अपने किराए के मकान में उसने रख रखा था, जिस पर पंचनामा बना करके इसके किराए के जो मकान है उससे एक्टिवा को और जो मंदिर में चोरी हुई थी उसको बरामद किया गया है। और चोरी का जो सामान था वो चांदी के छत्र, दो छोटे बड़े और एक बड़ा सिक्के, दो बर्जर कंपनी के पेंट्स डब्बे इत्यादि और इंश्योरेंस के कागज, लोडिंग रिक्शा के इंश्योरेंस, PUC और फिटनेस वगैरह के कागज, ये चीज़ें जो है चोरी की सामग्री बरामद हुई है। इसका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड छिपरा थाने में इससे पूर्व जानकारी आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी एकत्रित की गई। उसमें छिपरा में पहले भी इससे चोरी में कुछ सामग्री बरामद हुई है और मंदिर की जो चोरी हुई है उसमें इसने जो वहाँ मंदिर में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इसने जो चोरी की थी उसमें सिक्के और ये सब चीज़ें जो थी, छत्र और सिक्के वगैरह, वो सब इसने चुराए थे। तो उस पर जो मंदिर के व्यवस्थापक हैं, जो पुजारी हैं, उन लोगों ने इस बरामदगी पर हर्ष व्यक्त किया है। इंदौर से आशीष जैन की रिपोर्ट।